साहब ने कहा कि मैं जानता हूं कि आज मेरे पास ना तो बुद्ध विहार हैं, ना बौद्ध साहित्य है, ना योग्य प्रचारक हैं, ना पूजने भिक्कु हैं, लेकिन आप देखना एक दिन ऐसा आएगा इस देश के अंदर लाखों लाखों महिलाएं, लाखों लाखों पुरुष वो मॉडर्न आधुनिक भिक्कु होंगे, बनते होंगे। तो उन पत्रकारों ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर साहब हम समझ नहीं पाए, तो बाबा साहब ने कहा कि लाखों मॉडर्न भिक्कु महिला होंगी, साड़ी में होंगी, सूट सलवार में होंगी, जीन्स पहने हुए होंगी, ऑफिस में काम कर रही होंगी, हाउस वाइफ होंगी, व्यापार बिजनेस कर रही होंगी, लेकिन धर्म का प्रचार प्रसार भी कर रहे होंगे। इस देश के अंदर हजारों लाखों लोग ऐसे होंगे, वो डॉक्टर होंगे, वो एडवोकेट होंगे, वो बिजनेसमैन होंगे, वो सर्विस कर रहे होंगे, उसके बावजूद भी चाहे वो जीन्स पहने हो, कोट पैंट पहने हुए हो, टाई लगाए हुए हो, उसके बावजूद भी वो धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। हे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आपने जो कहा कि 16 अक्टूबर 1956 को जो आपकी परिकल्पना थी, मैं गाजियाबाद की उन बेटियों को, उन बहनों को मैं नमन करता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा आप चाहते थे ऐसा हो रहा है। ये आप बस ये बताइए कि ये जो बॉडी दान करेंगे तो क्या ऐसा तो नहीं वो एससी एसटी को ही लगेगा? नहीं नहीं, मैं बता दूं उस चीज़ को, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम महापुरुषों को मानने वाले हैं, बाबा साहब की भीम पुत्रियां हैं, सिर्फ हम जनहित में कार्य को करेंगे, चाहे हमारी किडनी, लीवर, आंखें, हार्ट किसी को भी लगे, लेकिन वो अपनी लाइफ को ज़रूर जिए, बस ऐसी हमारी कामना है और इसी उसमें हम लोग कार्य को कर रहे हैं। और इसी बीच में मैं चाहूँगी कि श्रद्धेय रमेश गौतम जी आए मंच पर और हम सबका मार्गदर्शन करें, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। सभी महापुरुषों को नमन करते हुए समाज के शीलवान, विद्वान, गुणवान, धनवान वे समाज की अनमोल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के महान पुत्रियों और विशेषकर जिन महिलाओं ने अपने बॉडी पार्ट्स डोनेट किए हैं उनके चरणों में नमन नमन नमन। मैं इस अवसर पर बता देना चाहता हूं कि पूरे संसार में मंगलकारी, जन कल्याणकारी जो गाजियाबाद की धरती पर प्रबुद्ध सेवा संस्थान की तरफ से और तमाम लोगों के सहयोग से जो ये आज एक खामोश क्रांति का जो आगाज हुआ है पूरी धरती पे, पूरी दुनिया में आज तक हुआ नहीं, और ये कभी होगा तो आपसे प्रेरणा लेकर के ही होगा। अब सवाल पैदा होता है कि जीवन आखिर है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में दुनिया से जाते जाते एक उनके मन में विचार था कि आने वाले समय में इस देश के जो लोग होंगे वो प्रबुद्ध समाज के लोग होंगे, प्रबुद्ध सोच के लोग होंगे, और उसी कारणा को गाजियाबाद की बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के महान पुत्रियों ने जो एक आंदोलन छेड़ा है उसमें कोई दोरा नहीं, अब वो समय दूर नहीं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा चाहते थे वैसा ही होने जा रहा है। मैं आपको एक डेट, एक घटना बताना चाह रहा हूँ। 16 अक्टूबर 1956 की घटना है। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर के अंदर हिंदू धर्म को 10 लाख लोगों के साथ में जब ठोकर मार के भगवान गौतम बुद्ध के शरण में गए, तो ठीक दो दिन के बाद यानी कि 16 अक्टूबर 1956 को एक बार फिर महाराष्ट्र में एक जिला है चंद्रपुर, उस चंद्रपुर में बाबा साहब ने 2.5 लाख लोगों के साथ में फिर इस देश के दलित शोषित पीड़ितों को
हिंदू धर्म के नरक से निकालते हुए बुद्ध की दीक्षा दिलवाई और वहाँ पत्रकार पहुँच गए। पत्रकारों ने बाबा साहब से एक सवाल किया और सवाल करते हुए कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब, जिस तेजी से आप हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म के समाज को दीक्षा दिलवा रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि दीक्षा के बाद इस समाज की शिक्षा की क्या व्यवस्था है? नहीं तो आपके समाज के पास भगवान गौतम बुद्ध का साहित्य है, नहीं पूजनीय और योग्य भिक्खु हैं और नहीं बुद्ध विहार हैं। जब ये सवाल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से पत्रकारों ने किया तो बाबा साहब एक मिनट के लिए चुप हुए, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण जवाब था। बाबा साहब ने कहा कि मैं जानता हूँ कि आज मेरे पास ना तो बुद्ध विहार हैं, ना बौद्ध साहित्य है, ना योग्य प्रचारक हैं, ना पूजने भिक्खु हैं, लेकिन आप देखना एक दिन ऐसा आएगा इस देश के अंदर लाखों लाखों महिलाएं, लाखों लाखों पुरुष वो मॉडर्न आधुनिक भिक्खु होंगे, बनते होंगे। तो उन पत्रकारों ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब हम समझ नहीं पाए, तो बाबा साहब ने कहा कि लाखों मॉडर्न भिक्खु महिला होंगी, साड़ी में होंगी, सूट सलवार में होंगी, जीन्स पहने हुए होंगी, ऑफिस में काम कर रही होंगी, हाउस वाइफ होंगी, ये पर बिजनेस कर रही होंगी, लेकिन धर्म का प्रचार प्रसार भी कर रहे होंगे। इस देश के अंदर हजारों लाखों लोग ऐसे होंगे, वो डॉक्टर होंगे, वो एडवोकेट होंगे, वो बिजनेसमैन होंगे, वो सर्विस कर रहे होंगे, उसके बावजूद भी चाहे वो जीन्स पहने हो, कोट पैंट पहने हो, टाई लगाए हुए हो, उसके बावजूद भी वो धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। हे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आपने जो कहा कि 16 अक्टूबर 1956 को जो आपकी परिकल्पना थी, मैं गाजियाबाद की उन बेटियों को, उन बहनों को मैं नमन करता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा आप चाहते थे ऐसा हो रहा है। अब लास्ट में बस मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ सभी एज के लोग बैठे होंगे। अब गंभीर बात, एक मिनट के केवल, यदि कि कोई पैदा हो गया बचपन के भविष्य में जवानी छिपी होती है, जवानी के भविष्य में फ्यूचर में बुढ़ापा छिपा होता है और बुढ़ापे में मौत छिपी होती है, आपको क्या क्या मिल गया है और क्या क्या मिलना बाकी है जरा सोच लेना। और रहा सवाल ये, एक बात क्या कि मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि श्रद्धेय भीम रतन जी मेरे पोस्ट में रहती हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन एक बात से मैं उनसे बड़ा दुखी हूँ। मैंने उनको हजारों बार विनती कर ली, वो नहीं मानती। वो रीजन ये कि जब भी कोई आस पास के गली में, कोई परिवार खानदान में, कोई रिश्तेदारी में इनको कोई मौत की खबर देता है कि फलाना आदमी मर गया, फलानी महिला मर गई, तो मैं इनसे इसलिए परेशान हूँ, ये दुखी नहीं होती, हंसती हैं। अब जब हंसती हैं तो कौन आदमी दुखी नहीं होगा? लोग कहते कि मैडम कैसी बात कर रही हैं, हमने आपको कहा कि वो मर गई, हमने आपको खबर दी वो मर गया, आप हंस रही हैं, आपको मजाक सोच रहा है। लेकिन एक बात बड़ी गहरी कहती हैं, मजाक मैं नहीं कर रहे हंस करके, मजाक तुम कर रहे हो मुझे बता करके कि वो मर गया, वो मर गई। अरे मैं ये पूछना चाहती हूँ, वो जिंदी ही कब थी, वो जिंदा कब था? मरने के लिए जिंदा होना जरूरी है, मरे हुए लोग दोबारा नहीं मरते। इसलिए अपनी बात खत्म करूँगा क्योंकि राक्षस जी चढ़े आए छाती पर। एक बात क्या कि अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, आप सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के महान संतानें हैं, मुझे बस एक बात बताओ, जब आप दुनिया में नहीं पैदा हुए थे, जब दुनिया में नहीं पैदा हुए थे तो क्या दुनिया नहीं थी?
आपके पैदा होने से दुनिया में कुछ फर्क पड़ा, हाँ या ना? और जब मर जाओगे क्या दुनिया में फर्क पड़ेगा? इसलिए कहता हूं कि जब तक जिंदा रहो, जब तक जिंदा रहो, आपके कार्य शैली से, आपके कार्यक्रमों से, आपकी गतिविधि एक्टिविटी से दुनिया को पता हो कि आप जिंदा हो। जय भीम, नमस्कार, थैंक यू। इस सर के लिए जोरदार तालियां, उन्होंने इतने कम